नमस्ते जी। यू नो मॉर्निंग के 6:08 हुए हैं। मैं जा रहा था जिम, फिर अचानक मुझे याद आया कि हमारी एक व्यूअर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टडी के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट बताइए ब्रो। मैंने कहा था हाँ बताऊंगा। फिर उन्होंने कल एक और कमेंट किया, स्टडी के लिए प्लीज बताइए। और फिर मुझे समझ में आया यार ये तो सीरियस इशू है, क्योंकि जनवरी का मौसम आ गया है, अगले महीने एग्जाम्स हैं और स्टडी और मेमोरी को लेके तो बहुत बच्चे परेशान होंगे। बच्चे क्या, सारे बड़े भी परेशान हैं। तो मैं निकल चुका था जिम के लिए, अचानक मेरी अंतरात्मा से आवाज आई, ब्रो एक्यूप्रेशर बताओ स्टडी के लिए। मैंने जैकेट उतारा, बैग फेंका और आ गया वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जोर की वीडियो आई थी। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा शानदार एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको स्टिमुलेट करके आप अपनी मेमोरी और अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को अच्छा कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के जगत में मेमोरीज से लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको करते करते आपके पसीने छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं एक बहुत आसान और सबसे हिस्से स्टिमुलेट करके आप बहुत अच्छे से अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, याददाश्त को बढ़ा सकते हैं और अपनी रीजनिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। हमारे यौगिक साइंस में हमारा एक ग्लैंड है प्यूटिटरी, जो यहाँ होता है, भगवान के सर पर दिखाता हूँ, यहाँ होता है प्यूटिटरी ग्लैंड, इस जगह पे वो ग्लैंड होता है। और इससे अपनी ये वाली फिंगर से, मिडिल फिंगर से इस तरह से, इसे इस तरह से 15 टाइम लेफ्ट साइड एंड 15 टाइम राइट साइड आपको प्रेस करके घुमाना होता है। इसको घुमाने से ये ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। ध्यान रखना, ये जो ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, आपके शरीर के सभी 7-8 ग्रंथियों का मास्टर है। जब भी ये ग्रंथि स्टिमुलेट होगी वो सारी ग्रंथियों को स्टिमुलेट कर देगी, इसलिए इसे सारी ग्रंथियों का मास्टर कहा जाता है। एक और ग्लैंड होता है पैनल ग्लैंड, जिससे हम थर्ड आई, अपनी आज्ञा चक्र का ग्लैंड भी कहते हैं। इन दोनों को हम यहां से स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक और पॉइंट होगा, दोनों कान को इस तरह से ले लीजिए और एक लाइन खींचिए, और जहां पे ये लाइन आके मिलती है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को भी हम इस तरह से प्रेस करेंगे भाई, 15 टाइम इधर 15 टाइम उधर। इसे प्रेस करने से तुरंत ही ब्रेन में एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, तुरंत ही ब्रेन में शक्ति का प्रवाह हो जाएगा, कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे आपको सारी चीजें याद रहेंगी। सिर्फ इतना करने से काम होगा? जी बिल्कुल नहीं। इसके साथ आपको रोज एक अभ्यास करना चाहिए जिसे कहते हैं हम संभावी मुद्रा, कुछ इस तरह से होता है। मतलब हमारे इसी ग्लैंड पे, इसी चक्र पे हमारी दोनों आंखों को जोड़ना होता है। 10 सेकंड से शुरू कीजिए और 3 मिनट तक लेकर के जाइए। पहले दिन 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 3 मिनट तक आराम से पहुंचिए, कोई जल्दी नहीं है। और इस ये पॉइंट दिन में कम से कम 3 बार करें, मॉर्निंग में सुबह उठते ही, दोपहर में खाने के बाद, या दोपहर में जब आराम करते हैं उस टाइम उठने के बाद, और रात को सोने से पहले इसको बिल्कुल इस वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाइए और देखना शानदार रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा तो परेशान हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा काम करें ना जो लॉन्ग लास्टिंग हो, इसका इफेक्ट भी थोड़ा देर से आएगा और रिजल्ट बहुत लंबे समय तक रहेगा। इट्स लाइक अ जिम, मेरा जिम लेट हो रहा है ना, कोई बात नहीं, लाइक अ जिम कि वर्कआउट शुरू करने के 1-2 महीने बाद बॉडी में नजर आता है इफेक्ट, और वर्कआउट छोड़ देने के बाद भी कई महीनों तक उसका रिजल्ट, कई महीनों तक मसल्स अच्छे रहते हैं। बाद आता है EX6, हमारी स्पिरिट, हमारे कॉन्शियसनेस को जागृत करने वाला एक ऐसा चार द्वार जिसको दबाने से हम कॉन्शियस हो पाते हैं। मतलब जब भी हम कोई काम कर रहे हो तो उसको लेके कॉन्शियस हो पाते हैं हम, और कॉन्शियस होने से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज इंटर कर पाता है। तो जब ये वो बीचों बीच वाला पॉइंट है, ये दोनों कान है और ये बीचों बीच पॉइंट है, फिर उसके उसको हमने दबाना सीख लिया, और ये चार पॉइंट उसके 1 इंच आगे, 1 इंच पीछे, 1 इंच ऊपर, 1 इंच नीचे, इसको हम कुछ इस तरह से वाइंड करते हैं,
दबाते हैं, मसाज करते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसको करते ही जादुई इफेक्ट देखने को मिलेगा और मजा आ जाएगा पढ़ाई करने में। इसका और एक और बताऊंगा, जब भी एग्जाम में लिखने जाओगे, क्योंकि जो पढ़ा है वो तो वहां याद हुआ, एग्जाम में जाने से पहले जो आप ये करते हो ना, बैठ के बुक्स खोल के रटते रहते हो, आखिरी टाइम पे कुछ भी मिल जाए ना, वो ना करके एक काम करना, कोई कोना पकड़ के बैठ जाना और इन तीनों मुद्राओं को, इन तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना और देखना कैसा इफेक्ट मिलेगा। शर्म मत करना यार, भूल जाओगे तो एग्जाम हॉल के अंदर भी जाके करना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, है ना। इस पॉइंट को दबाने का, इस पॉइंट को रेगुलर स्टिमुलेट करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, अब वो है शीर्षासन। शीर्षासन का शीर्षासन एक ऐसा आसन है जिसके हजारों फायदे हैं। इससे एक और बड़ा फायदा होगा कि शरीर का सारा खून जो है दिमाग की तरफ दौड़ता है और आपके ब्रेन को ब्लड मिलते हैं, ब्लड सेल्स मिलते हैं, जिससे आपके ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं। तो अगर आप सिर्फ शीर्षासन करेंगे तो ये चारों पांचों पॉइंट, एक्चुअली ये दो पॉइंट है, चार एक पॉइंट होता है और बीच वाला एक पॉइंट होता है, ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट का शीर्षासन भी आपको बहुत बेहतरीन इफेक्ट देता है रोज। तो फाइनली आज हमने तीन पॉइंट को समझा है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए पॉइंट है, एक बीच वाला पॉइंट है पाइनल ग्लैंड के लिए, और यह है EX6 पॉइंट जो आपके कॉन्शियस स्पिरिट लेवल पे आपको चारों द्वारों को खोलता है। तो इन तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करो और देखो जादुई कमाल कैसे होता है आपकी पढ़ाई, आपके स्टडी, आपके कॉन्शियस, आपकी मेमोरी, आपके ध्यान, आपकी साधना, हर चीज़ में आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी बातों को बताने के बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब मुझे जिम जाना चाहिए, नहीं तो मेरा कोच मुझे जान से मार डालेगा। बाय। और हाँ, नमस्ते है जी।